भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा का जो हनुमान चालीसा है, लोग जानना चाहते हैं, एक्साइटेड हैं कि कब रिलीज होगा। लोग कह रहे हैं मंगलवार के दिन रिलीज कर दे, इससे शुभ दिन और कौन सा हो सकता है। तो भाई आपको बता दें कि अपनी धुन वाले भी मूड बना रहे हैं कि मंगलवार को ही रिलीज कर दिया जाए। वैसे बताया जा रहा था कि टी सीरीज और अपनी धुन के बीच बहुत ही बड़ा क्लैश हो गया है। जी हाँ, टी सीरीज वाले नहीं चाह रहे हैं कि अपनी धुन चैनल पर ये हनुमान चालीसा रिलीज हो, क्योंकि पवन सिंह एक बहुत बड़ा नाम है। पवन सिंह की जो कामयाबी है कमरिया हिला रही है, इसको भी टी सीरीज ने मेंशन तो किया ही होगा कि किस तरह से ये होली सॉन्ग इस बार होली में खूब धूम मचाया है। तो आपको ये बता दें कि ये गाना रिलीज तो होगा, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। हो सकता है कि मंगलवार के शाम तक रिलीज हो जाए, लेकिन इसकी कुछ पुख्ता तारीख अभी तक अपनी धुन वालों ने नहीं दी है। इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि अपनी धुन और टी सीरीज का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी मेन वजह हो गई है कि ये हो सकता है कि डिले हो, क्योंकि अगर मंगलवार को रिलीज़ नहीं होता है तो हो सकता है कि आगे के लिए डिले हो। लेकिन ये फिक्स है कि इसी हफ्ते रिलीज़ हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पहले ये खबर आ रही थी कि टी सीरीज़ वाले डायरेक्ट पवन सिंह को धमकी दे रहे हैं कि कैसे वो अपनी धुन चैनल के लिए हनुमान चालीसा गा सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह ने टी सीरीज़ के लिए बहुत गाने गाए हैं और पवन सिंह की ताकत को टी सीरीज़ वाले बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो उन्होंने ये पहले खबर आ रही थी कि पवन सिंह से डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पवन से नहीं, अपनी धुन जो चैनल है जिसे पायल देव और आदित्य देव चलाते हैं, उनसे डायरेक्ट टी सीरीज वालों ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। और ये कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है जो है इन्हीं के बीच है, क्योंकि पवन सिंह और टी सीरीज़ का एक गहरा नाता रहा है। टी सीरीज़ के लिए तकरीबन पवन सिंह ने 10 से 12 गाने गाए हैं और जो काफ़ी पॉपुलर हुए भी हैं। तो ये लफड़ा तो इन दोनों के बीच नहीं है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पवन सिंह अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं, शत्रुघ्न अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ये हनुमान चालीसा तो रिलीज़ होकर ही रहेगी, भले ही टी सीरीज़ कितना भी अड़ंगा डला ले। तो भाई टी सीरीज़ वाले ये जान चुके हैं कि दो बिहारियों से भिड़ना अपने लिए तबाही लाना तो हो सकता है, इसलिए ये फिक्स हो चुका है कि हनुमान चालीसा रिलीज़ होगी, क्योंकि इसका ट्रीज़र रिलीज़ करके ही ये बता दिया गया है कि इसे रिलीज़ होने से कोई रोक नहीं सकता। और अब या फिर ये मंगलवार को रिलीज़ होगी या फिर ये गुरुवार को रिलीज़ होगी। जी हाँ, ये कंफर्म न्यूज़ है। अगर मंगलवार को रिलीज़ नहीं होती है तो गुरुवार को फिक्स हनुमान चालीसा रिलीज़ कर दी जाएगी। तो भाई इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और पवन सिंह की मधुर आवाज़ में आपको सुनने को मिलेगा हनुमान चालीसा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।